Hi guys, this is Sandesh Gaur and welcome to my channel Smart Sandesh. And आप लोग को मैं ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें मैं डबिंग कर रहा हूँ, तो मैं एम्पायर स्टूडियो में हूँ, वीरा दस अंधेरी वेस्ट में. और ये देखिए, और ये हमारी टीम उधर बैठी, हमारे एसोसिएट डायरेक्टर नवाब भाई और हमारे जादव साहब बैठे रिकॉर्डिस्ट. ये देखो बिस्किट खाते हुए आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे एसोसिएट डायरेक्टर है यहाँ पे. Hi guys, this is Sandesh Gaur and welcome to my channel Smart Sandesh. Guys, I am very excited today because मैं बहुत टाइम बाद अपना वीडियो बना रहा हूँ आज, और मैं जा रहा हूँ डबिंग के लिए जिस मेरी वेब सीरीज के लिए जिसका नाम है फ्री का बंगलो. तो चलो एम्पायर स्टूडियो दिखाता हूँ मैं आज आपको, और डबिंग मेरी कैसी होगी मैं आपको भी दिखाऊंगा. तो लेट्स गो. This is my society. Prathamesh Park behind Country Club. सो गाइस, एम्पायर स्टूडियो में आ चुका हूँ. मेरे घर से जस्ट 2 मिनट्स की डिस्टेंस में ही है वीरा देसाई में. और चलो एम्पायर स्टूडियो दिखाता हूँ और मेरी डबिंग है वेब सीरीज की जिसका नाम है फ्री का बंगलो. लेट्स गो. सो गाइस, मैं एम्पायर स्टूडियो में आ चुका हूँ और मेरा डबिंग है आज. और ये भूषण सर हमारे, जिन्होंने मेरी कास्टिंग की थी शो में, यही है वो, यही वो शख्स है जिन्होंने मेरी इस वेब सीरीज में कास्टिंग की थी. भूषण अग्रवाल नाम है इनका. और यहाँ का स्टाफ मुझे बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि मैं यहाँ आते रहता हूँ अक्सर. और ये सब दादा लोग हैं यहाँ पर जो मेंटेनेंस में रहते हैं एम्पायर स्टूडियो में. और ये भी है जो मुझे जानते हैं. और ये अभी सरोज एंटरटेनमेंट की मैंने वेब सीरीज की है फ्री का बंगलो, एंड दिस इज एम्पायर स्टूडियो. So this is a studio for dubbing, for movie, TV, web series, short movies, documentary films. Empire Studio बहुत पुराना स्टूडियो है ऑडियो के लिए, और यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी सुपर हिट फिल्मों की डबिंग हो चुकी है. इवन पोस्ट प्रोडक्शन भी यहाँ पे होता है, एडिटिंग, VFX का भी काम होता है. और पहले इसका नाम विक्रांत था और अभी सरोज एंटरटेनमेंट हो चुका है क्योंकि इसके ओनर्स बदलते रहते, चेंज होते रहते. तो अभी फिलहाल सरोज एंटरटेनमेंट है और इसके प्रोड्यूसर है सुनील जी, जिनकी वेब सीरीज मैंने किया हूँ. और बहुत अच्छे से शूट किया, एरियल एक्स कैमरे में शूट किया है. और बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वीडियोस आप देख सकते हैं, और जो कि मैंने हमेशा बनाया है.
मैंने लास्ट टाइम आपको बीच हाउस बंगलो भी दिखाया था, इसी वेब सीरीज की शूट हो रही थी उस टाइम पे भी, और एक और कोई बंगलो था मड में जिसका मैंने वीडियो बनाया था, वो भी इसी वेब सीरीज का शूट का था। सो गाइज आई होप यू ऑलवेज इंजॉय माई वीडियोज बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन्स, इवन ऑन द लोकेशन शूट, इवन डबिंग ऑल्सो। तो आप देखते रहिए मेरी वीडियोस को, इसी तरीके से लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपने सर्कल में शेयर करते रहिए। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल स्मार्ट संदेश। तो कैसा लगा नवाब भाई मेरे साथ काम करके? ये नवाब भाई है और इन्होंने इस वेब सीरीज में एसोसिएट डायरेक्टर की भूमिका इन्होंने निभाई है और काफी मेहनत की है। तो नवाब भाई बताइए कैसा लगा आपको? काम तो अच्छा लगा संदेश भाई करके, थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं, इतना कॉम्पिटिशन, थैंक यू। क्या क्या काम किया संदेश ने वैसे? संदेश ने ऑलमोस्ट मेरा आधा काम किया है। अच्छा, मतलब प्री प्रोडक्शन भी किया है, ऐसा कुछ बोलना चाहते हो? प्री ब्रोडो सब, शूट पे भी बहुत हेल्प किया है। हाय, मेरा नाम राहुल। हाँ, ये राहुल दादा, ये अभी डबिंग जो मैं करने वाला हूँ उसकी रिकॉर्डिंग यही करने वाले यहाँ पर। ये सिस्टम है हमारे एम्पायर स्टूडियो का, मैं भी फर्स्ट फ्लोर में हूँ। गाइस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जा रहा हूँ मैं फिलहाल। तो ये हमारे रिकॉर्डिस्ट जो दादा है ये माइक एडजस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हाइट मेरी 6.1 है। रिकॉर्डिंग ज्यादा, आपको पूरा नाम बताओ ना एक बार। राहुल जादव, ठीक है। नवाब भाई आपका नाम पूरा? नवाब का। सो गाइस अभी एपिसोड 2 तक कंप्लीट किया मैंने डबिंग, डबिंग चल रही है। अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया रिकॉर्डिंग, दादा बोले ब्रेक ले लेते, तो मैंने ठीक है दादा ब्रेक ले लेते, इसमें क्या है।
अभी यहाँ चालू कर दो, ठीक है? जब तक लड़कियां थी तब तक ही बंगला बंगला कमाल लगता था, अब उनके दिन हम कंगाल लगेंगे। गाइस वेब सीरीज की डबिंग कंप्लीट हो गई फिलहाल, और बहुत जल्दी मैंने डबिंग कंप्लीट कर ली, और बस अब यहाँ से पैकअप हो जाएगा मेरा फटाफट। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल स्मार्ट संदेश। डू लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को इसी तरीके से हमेशा प्यार देते रहिए। और दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो मेरे चैनल्स को देखते रहते हैं, बहुत सारा प्यार देते रहते हैं, मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर। Oh, thank you so much guys.